हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं मधु बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, दिवाली इतनी नज़दीक आ गई है कि अब सभी के घरों में करीब करीब सफाई हो गई होगी और सभी लोग अपने घर को डेकोरेट करने में लगे हुए होंगे। जब दिवाली आती है ना, तो अपने साथ थोड़ी सी ठंडी जरूर लाती है, तो हमें उन ठंडी का भी स्वागत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज मैंने इंस्टेंट अचार लगाया है। इसमें गाजर, अदरक, हरी मिर्च और नींबू, इन सबको कट किया और बस नमक डाल दिया। ये अचार बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। दिवाली की साफ़ सफाई में कुछ लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। जब दिवाली आती है तो घर की सफाई के साथ साथ हमें घर को डेकोरेट भी करना है। उसके अलावा जो डेली वर्क हमारा है, उनको भी टाइम पर कम्प्लीट करना है, तभी हम सारे फेस्टिवल को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमें इस बदलाव से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे कि हम अपने घर में कई बार नई चीज़ें ना ला करके छोटे मोटे अगर बदलाव ही अपने घर में करेंगे, तो उससे भी हमारा जो घर है वो एक नया लुक क्रिएट करता है। कभी कभी जो चीज़ें जहाँ पर रहती है ना, हमें उस चीज़ को वहाँ पर देखने की आदत हो जाती है, तो उसकी जगह अगर हम बदल भी देते हैं तो वहाँ पर हमें 2 दिन थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। यहाँ पर मैं लेजी सुजन की जगह को चेंज कर रही हूँ। पहले ये माइक्रोवेव के ऊपर था और इसमें चीज़ें मिक्स मैच करके रखी हुई थी, शहद की बॉटल, जैम की बॉटल और सॉस की बॉटल और अचार। अभी मैंने इसको यहाँ पर रखा है और इसमें सिर्फ मैं अचार ही रखूँगी। थोड़ी सी जगह बची है तो वहाँ पर मैं सॉस की बॉटल और हनी की बॉटल को भी रख दिया, क्योंकि इसके अलावा अचार मेरे पास नहीं है। ये बड़ी वाली डिब्बी जिसमें मैंने मिर्ची की अचार लगाई थी, थोड़ी सी ही बची है, तो बड़ी वाले डब्बा को रखने से कोई मतलब है नहीं। उसको मैं छोटे से लंच बॉक्स में शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि वो जगह ज़्यादा भी ना ले और 1-2 दिन में ये अचार ख़त्म भी हो जाएगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम किसी बड़े बर्तन में किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हम उस बर्तन को खाली होने का इंतज़ार करते हैं, तो वो जगह भी ज़्यादा घेरती है और वो बर्तन भी हमारा मतलब इंगेज रहता है। तो अगर उसे हम छोटी चीज़ में शिफ्ट कर दें या छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दें तो जगह भी वो कम लेगा और बड़े बर्तन का यूज़ हम किसी दूसरे चीज़ में कर सकते हैं। अभी जो फेस्टिवल सारे आ रहे हैं, ये 5 पर्वों का पुंज है, जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 दिन हमारे जो है ना बहुत बिजी रहने वाले हैं। धनतेरस के पहले हम सारी सफाई घर की कर लेते हैं और घर में कोई नई चीज लेकर के आते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू, खड़ा धनिया, पान का पत्ता, नमक, ये चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन 4 मुख वाला कोई भी दिया आप ले लें और उसे दक्षिण दिशा की ओर जलाएं, जिससे अकाल मृत्यु का भय चला जाता है। हो सके तो ये दिया आप आटे का भी बना लें। धनतेरस के अगले दिन यानी कि नरक चतुर्दशी को हमें रात को काजल बनाना चाहिए। या तो हम सरसों के तेल में बना सकते हैं या घी में, और इस काजल को अपने आँखों में जरूर लगाना चाहिए, ये हमें बुरी नज़र से बचाता है। उसके बाद आती है दीपावली। तो दीपावली के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहती है। और उसके बाद जब लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त होता है, उस समय हमें पूजा करनी चाहिए। एक लाल कपड़े में 5 सूखे आंवले, 1 चांदी का सिक्का, थोड़ी सी खड़ी धनिया, हल्दी की गांठें और 5 कमल गट्टे को रख करके पूजा करनी चाहिए। और फिर उसे बांध करके जहां पर हम हमारी तिजोरी है, जहां पर हम पैसे वगैरह रखते हैं, उसे रखनी चाहिए, तो हमारे सुख समृद्धि बनी रहती है। और दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। ये तोरण अशोक के पत्तों या फिर आम के पत्तों को आप मिलाकर भी बना सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस तोरण के नीचे से गुजरता है वो आरोग्य से धन्य धान्य रहता है, यानी कि उसे कोई भी बीमारी जल्दी छू नहीं सकती है। अभी कल ही धनतेरस है, तो आप लोग धनतेरस पे क्या परचेस कर रहे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं धनतेरस पे झाड़ू तो जरूर लेकर के आऊँगी, बाकी मैं क्या लेती हूँ वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ ये पल्प रग लेकर के आई थी, जिसे हम रीयूज भी कर सकते हैं।
काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक साइड से इसका सिरा निकला। मैंने इसे यूज़ किया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई बार किचन में काम करते करते ना तेल गिर जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं जिसे हम कपड़े से फटाफट पोंछ देते हैं, तो कपड़े में उसके दाग भी लग जाते हैं। तो उस समय आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप इसे वॉश करके दोबारा यूज़ करें या तो फिर आप इसे डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती है ना जो हमारे डेली वर्क को काफ़ी आसान बना देती है। काउंटर टॉप पे ही मैंने माइक्रोवेव को रखा है क्योंकि दूसरी जगह रखने पर इसकी जो वायर है वो स्विच बोर्ड तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसी माइक्रोवेव के अंदर मैंने मसाला का बॉक्स रखा है। यहाँ से मुझे बॉक्स को लेकर के यूज़ करने में कोई तकलीफ भी नहीं आती है, और माइक्रोवेव का जब काम होता है तब मैं उसे यूज़ भी कर लेती हूँ। मेरे घर की जो पूरी क्लीनिंग है यानी कि दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ किचन बचा था, तो आज मैंने भी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। जब भी हम ऐसी सफाई करते हैं ना तो हम इसमें पूरे बिजी हो जाते हैं, तो मेक श्योर आप जब भी ऐसी सफाई करें या डीप क्लीनिंग करें तो खाना पहले ही बना करके रख दें ताकि बीच बीच में आपको उठना ना पड़े, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से खिला पिला करके आप निश्चिंत हो जाएं। मुझे दिवाली की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, और डेली क्लीनिंग करने से एक चीज़ अच्छी होती है कि मतलब दिवाली वगैरह या कोई भी फेस्टिवल पे आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्केट से मैं यहाँ पर एक फोम क्लीनर भी लेकर के आई थी जिससे सारे कबर्ड और टीवी फ्रिज वगैरह को जब मैंने क्लीन किया तो वो अच्छी तरीके से क्लीन भी हो गए और बहुत अच्छी तरीके से शाइन भी करने लगे। वैसे तो मैं कबर्ड की डोर की क्लीनिंग सिर्फ गीले कपड़े से ही करती हूँ, लेकिन आज फोम क्लीनर से किया तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो क्लीन हो गया। जब मैं इसकी सफाई कर रही थी तो श्रेया को देख करके बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसमें से ना फोम जैसा निकल रहा था, तो उसे थोड़ी मस्ती सूझ रही थी तो वो इसे लेकर के चली गई फ्रिज साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर वो लगी हुई है इस फोम क्लीनर को बटन को प्रेस करने में, मगर उससे वो प्रेस ही नहीं हो रहा है। काफ़ी मुश्किल के बाद उससे वो बटन प्रेस हुआ और उसने ढेर सारा क्लीनर जो है ना वो फ्रिज पे लगा दिया। फिर मैंने उसको थोड़ी सी डांट भी लगाई तो उसने कपड़े से वो क्लीन करने की कोशिश की, बट उससे वो नहीं हुआ। फिर मैंने फ्रिज को इसी क्लीनर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन भी कर दिया, और इसके बाद किचन की जो ऊपर की जो कबर्ड है उसके डोर को भी इसी फोम क्लीनर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। जब आप अकेले होते हैं ना और अकेले आपको साफ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, तो थोड़ी मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। कहते हैं ना, हम औरत हैं, हम एक गृहिणी है, हम एक माँ है, तो हर चीज़ को मैनेज करना हमें अच्छे से आता है। कब किसे किस चीज़ की ज़रूरत है ये भी हमें पता होता है। दिवाली कितना अच्छा फेस्टिवल है ना, अमावस की रात को भी हमारा घर पूरी दुनिया दीपों से जगमगा उठती है, और आज तो एकादशी भी है। अभी क्या है ना, कोई भी पर्व जो है ना वो दो दो मतलब दिन करके चल रहे हैं, जैसे कि आज आदि दशमी और एकादशी दोनों मिली हुई है। तो मैं एकादशी को कभी भी चावल नहीं खाती हूँ, तो दोपहर के लंच में मैंने आलू और सोयाबीन की सब्जी और चपाती बनाई है। कल एकादशी है तो कल के दिन जो है वो फास्ट वाला है, तो कल मेरा जो है फास्ट रहेगा। इसी तरह दिवाली भी है, दो दिन की है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। लेकिन जो पूजा करने की दीपावली है यानी कि शुभ मुहूर्त पूजा का, वो 31 तारीख को है क्योंकि 1 तारीख को उद्यातिथि लेकर के है, लेकिन वैसे तो हम अमावस को ही दिवाली मनाते हैं, तो 31 तारीख को ही मेन दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली की साफ सफाई तो हम लोगों ने अपने घरों में अच्छे तरीके से कर ली, अब इसके बाद बारी आती है दिवाली पर कुछ खास आइटम यानी कि खाने पीने की चीज़ें को बनाने का। तो मैं यहाँ पर नमक पारे तो बनाऊंगी ही क्योंकि वो मेरे बेटू को भी पसंद है, और नमक पारे खत्म भी हो गए हैं। उसके अलावा थोड़ी सी नमकीन मैंने और बनाई है। आई एम श्योर आप लोग भी अपने घर में दिवाली पर कुछ ना कुछ जरूर बनाते होंगे, तो इस दिवाली पर आप लोगों ने अपने घर में क्या बनाया है
मुझे जरूर बताइएगा। पहले मैं ना नमक मारे बनाने से बहुत कतराती थी, मुझे ये बहुत बोरिंग काम लगता था। लेकिन कहा जाता है ना, जब जैसी जिसकी ज़रूरत होती है वैसे उसको वो काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर नमक पारे नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो मैंने नमक पारे घर पे ही बनाना शुरू किया, जो मेरे बच्चों और हम लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो नमक पारे यहाँ पर बन करके रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा नमकीन बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं बनाऊँगी पोहे से। सिंपल पोहा फ्राई कर लिया है, मूँगफली, हरी मिर्च, करी पत्ता ये सब डाल करके। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नमकीन। चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो तीन तरह की नमकीन बना ली, एक पोहे को फ्राई करके बनाया और एक सिंपल भून करके बनाया है। जो पोहे को फ्राई करके बनाया उसमें मैंने मूँगफली डाली, थोड़ा सा काला नमक, सादा नमक और गोलकी का पाउडर जिसे हम काली मिर्च पाउडर कहते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे टिश्यू पेपर की मदद से हटा दूंगी, यानी कि नीचे टिश्यू पेपर रख करके उसके ऊपर इस मिक्सर को रखूंगी तो वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर मैं तीसरी नमकीन भी बना रही हूँ। तो पेश है आप लोगों के सामने ये दो तीन तरह की नमकीन जो कि दिवाली पर मैंने बनाई है। नमक पारे, मठरी, फ्राई पोहे और थोड़ा सा मतलब पोहे का मिक्सचर टाइप जैसे। इन सबको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, करीब 2 से 3 घंटे, और किचन भी काफ़ी गंदा हो गया और बर्तन भी काफ़ी गंदे हो गए। तो मैं अभी सारे बर्तनों को वॉश कर ले रही हूँ, किचन को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ, और गैस की हालत तो पूछो मत, बहुत ही गंदी हो रखी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद टाइम भी हो चला है सोने का, करीब रात के 10 बज चुके हैं। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से आप लोगों को थैंक यू। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।